हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेप आप सभी का प्रेप पे स्वागत है फ्रेंड्स प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप ने क्रेश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है और आज का सेशन इस प्रोग्राम का फर्स्ट सेशन है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट द कंपनी रूल फ्रॉम सेवनटीन टू एटीन अब देखिए ये जो फर्स्ट टू सेशंस होने वाले हैं कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल इनकी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी पॉलिटी में भी एंड मॉडर्न इंडिया में भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टॉपिक को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको डबल एफर्ट्स नहीं करने पड़े ओके तो फ्रॉम पॉलिटी एंड फ्रॉम हिस्ट्री परस्पेक्टिव से इस टॉपिक को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर वन की लेट्स स्टार्ट अब देखिए इन पॉलिटी बेसिकली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट देर आर सेवरल फीचर्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट रूट्स इन ब्रिटिश रूल और इसीलिए ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था क्या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और किस तरह से ब्रिटिश रूल का इवोल्यूशन होता है तो देखिए अगर हम सिक्सटीन सेंचुरी की बात करें सिक्सटीन सेंचुरी तो लगभग हंड्रेड ईयर्स तक जो एशियन ट्रेड थी उस पर पोर्टुगीज का डोमिनेशन था और ये ट्रेड काफी प्रॉफिटेबल थी तो जो मर्चेंट्स थे इंग्लैंड में उनको ये लगा कि हमें भी इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं 1599 में एक कंपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका क्या नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ओके एंड फिर 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ इस कंपनी को एक रॉयल चार्टर ग्रांट करती है और इस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव प्रिवलेज मिलता है किस चीज का टू ट्रेड विद ईस्ट और यही तो वो चाह रहे थे अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव मींस ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी ओके तो यहाँ से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की तो देखिए 1600 में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आते हैं एज ट्रेडर्स इसका क्या मीनिंग है देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली प्रेशियस मेटल प्रेशियस गुड्स इंडिया में लेके आती थी और उनको एक्सचेंज करती थी विद इंडियन टेक्सटाइल इंडियन स्पाइसेस और फिर इन गुड्स को वो यूरोपियन मार्केट में सेल करती थी और बहुत तगड़ा उनको प्रॉफिट होता था ओके okay, तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल पावर थी बट इन कोर्स ऑफ टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था इन द लोकल पॉलिटिक्स और आप सभी को पता होगा 1757 बैटल ऑफ प्लासी 1764 बैटल ऑफ बक्सर एंड उसके एक साल बाद 1765 ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद और इस ट्रीटी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दो राइट्स मिलते हैं पहला क्या था दीवानी राइट्स दीवानी मींस राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल बिहार एंड उड़ीसा एंड दूसरा था निजामत फंक्शन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पुलिस आपके पास होगी सिस्टम आपके पास होगा तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम सेवनटीन सिक्सटी बेंगोल बिहार उड़ीसा यहां के रियल मास्टर्स कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो कंपनी जिसकी शुरुआत होती है एज ए कमर्शियल पावर अब वो बन चुकी है एक टेरिटोरियल पावर एक पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी है ओके okay? अब देखिए इसके बाद 1857 क्या होता है रिवोल्ट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत होती है उनको ऐसा लगा कि अगर फिर से ये रिवोल्ट हुई तो इंडिया हमारे हाथ से चला जाएगा तो फिर 1858 में काफी सारे ड्रास्टिक मेजर्स लिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश किया जाता है एंड अब इंडिया को कौन रूल करेगा इंडिया को रूल करेगा ब्रिटिश क्राउन मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया को रूल करेगी पहले ई रूल करता था एंड जो गवर्नमेंट है उसका रेगुलेशन होता था ओके okay? एंड उसके बाद 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है विद पार्टीशन। तो ये एक ब्रीफ टाइमलाइन है जो हम डिस्कस करेंगे हमारे इन वीडियोज में ओके okay? अब देखो आज के सेशन में हमारा फोकस होगा फ्रॉम सेवनटीन टू एटीन और इस दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओके okay? चलिए अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक कमर्शियल पावर थी बट नाउ वो एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी है और मिलियन ऑफ पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर रही है तो डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो उसके पशेषन है जैसे कि बेंगोल मद्रास बॉम्बे इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था सेकेंड चैलेंज ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑथोरिटी है वो तो ब्रिटेन में है तो ये ऑथोरिटी किस तरह से इंडिया में जो ऑफिशियल्स हैं जो सोल्जर्स हैं उनको कंट्रोल करेगी ये सेकेंड चैलेंज था एंड थर्ड चैलेंज ये था कि विद इन इंडिया जो आपके पोसेशन है बेंगोल मद्रास बॉम्बे तो किस तरह से एक सिंगल सेंटर ऑफ अथॉरिटी क्रिएट किया जाए जो इनको कंट्रोल करे तो हम जितने भी एक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे उनमें इन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं ओके okay? अब देखो ये तो थे चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बट जो इंग्लैंड में जो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वहां पे क्या माहौल था वो भी देख लेते हैं देखिए 1765 टू 1772 ये जो पीरियड है ना इसको क्या बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बेंगोल देखिए पुलिस जुडिशल फंक्शंस रिवेन्यू ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हैं तो पूरी पावर उनके पास है बट उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो किसके पास है वो है नवाब के पास बट इनके पास पावर नहीं है उसके लिए डिपेंडेंट है किस पे ईआईसी पे तो ये जो सेवन इयर्स का पीरियड था इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो सर्वेंट्स थे उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया वो बहुत ही करप्ट लोग थे किस तरह से कमाया देखिए जो ट्रेड होती थी बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज वो तो ई डायरेक्टली करती थी बट विद इन इंडिया जो ट्रेड होगी उसको कहा जाएगा प्राइवेट ट्रेड प्राइवेट ट्रेड और इसके लिए कंपनी जो उनके सर्वेंट्स होते थे जो उनके ऑफिशियल्स होते थे उनको परमिशन देती थी और इसी का वो फ़ायदा उठाते थे और काफ़ी तगड़ा एक्सप्लेटेशन किया बहुत पैसा कमाया तो भाई जब आपके पास इतना पैसा है कंपनी के पास जो आपके ऑफिशियल्स के पास इतना पैसा है तो ऑब्वियस बात है कि जो दूसरे मर्चेंट्स हैं वो नाराज होंगे और चाहेंगे कि हम भी इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करें बट कैसे करेंगे क्योंकि कंपनी के पास तो मोनोपोली है तो इंग्लैंड में जो दूसरे मर्चेंट थे वो इस मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया इसके लिए उन्होंने ये किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स इंग्लैंड आते थे बहुत पैसा उनके पास होता था उनको कहा गया नबोब्स क्वेश्चन का तो इनको क्रिटिसाइज किया गया इनको एक्सप्लोइटर कहा गया मेन जो दो टारगेट थे वो कौन थे रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग ओके इसके अलावा देखिए तो ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो कंपनी को फोर्स कर रहे थे कि भई आप कुछ ट्रिब्यूट पे करो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे क्या होगा जो गवर्नमेंट के डेप्ट हैं वो कम होंगे वहां पे टैक्सेस कम हो जाएंगे तो वहां के लोग खुश होंगे और अल्टीमेटली वोट किसको मिलेगा इन मिनिस्टर्स को मिलेगा ओके इसके अलावा देखिए जो कंपनी के पास पैसा तो खूब है पैसा मीन्स पावर तो कंपनी क्या कर रही थी हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट्स परचेज कर ली और अपने एजेंट्स वहाँ पर बिठा दिए तो इससे वहाँ के लोगों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेट करने लग जाए तो इसलिए वहाँ के लोग चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाए इसके अलावा देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी बट इस टाइम पे कैपिटलिज्म की जो थ्योरी थी ये सामने आ रही थी और ये बात करता है फ्री ट्रेड की फ्री मार्केट की बात करता है मीन सबको मौका मिलना चाहिए ओके? तो यह तो बात हो गई कि क्यों ई को रेगुलेट करने की जरूरत थी बट देखिए के पास तो पावर है तो ऑब्वियसली बात है कि उसके फ्रेंड्स भी होंगे पार्लियामेंट में इवन जो किंग जॉर्ज थ्री थे वो इनके पैटर्न थे तो क्या किया जाए तो एक कॉम्प्रोमाइज बिठाया गया एक तरह का बैलेंस बनाया गया देखिए किस तरह का बैलेंस कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी केवल बेसिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल करेंगी और जो कंपनी है उसके पास मोनोपोली बनी रहेगी ऑफ ईस्टर्न ट्रेड एंड कौन से ऑफिशियल्स अपॉइंट होंगे ये भी कंपनी ही डिसाइड करेगी ये एक सेटलमेंट बिठाया गया ओके तो इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्ट्स वगैरह पास होते हैं जिसके थ्रू कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है और यही सब हमें पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, एटी वन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833 एंड 1853। फिफ्टी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनके क्या फीचर्स थे ओके तो जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो ओके okay? तो अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की तो जो बैकग्राउंड है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अब हम इन सारे एक्ट्स के फीचर्स को डिस्कस करेंगे ओके okay? तो देखिए ये जो एक्ट है इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ई और क्यों वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ओके सेकंड पॉइंट ये है कि इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी ओके एंड थर्ड पॉइंट ये था कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया किस तरह से देखिए पहले बेंगोल में कौन होते थे गवर्नर ऑफ बेंगोल बट अब होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल तो टाइटल चेंज हो गया इनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें फोर मेंबर्स उनको असिस्ट करेंगे मींस साइज क्या हो जाएगा वन प्लस फोर सो दिस इज गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल कौन होंगे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है अब देखिए ये जो काउंसिल थी वन प्लस फोर इसमें जो डिसीजन होंगे वो लिए जाएंगे बाय मेजोरिटी ठीक है एंड जो गवर्नर जनरल है उनके पास कास्टिंग वोट होगा इसका मतलब क्या है देखिए जिस भी मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा है जब वोटिंग होगी तो गवर्नर जनरल उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब वहां पे टाई हो जाएगा मीन्स दो लोग फेवर में हैं दो लोग अगेंस्ट में है तो भी क्या करें तो इस केस में अब गवर्नर जनरल अपना वोट देंगे और जिस भी साइड को वो फेवर करेंगे वो चीज मानी जाएगी सो दिस इज कास्टिंग वोट ये हमारे यहां भी होता है पार्लियामेंट में ओके इसके अलावा गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास उनको सबोर्डिनेट पोजिशन में डाल दिया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल एंड 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है स्टेब्लिश किया जाता है कैलकटा में उसका कंपोजिशन क्या था एक चीफ जस्टिस होंगे और थ्री दूसरे जजेस यहां पे होंगे तो वन प्लस थ्री ये उसका कंपोजिशन है ओके देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं ओके इसके अलावा देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से कंपनी को कंट्रोल करेगी तो भाई जो कंपनी के प्रोपराइटर हैं वो इंग्लैंड में क्या करेंगे ट्वेंटी फोर डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे फोर इन के लिए और ये जो बॉडी है इसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करें ऑन रिवेन्यू मैटर्स सिविल मैटर्स एंड मिलिट्री मैटर्स तो इस तरह से जो बेसिक पॉलिसीज हैं उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाली है और यही कॉम्प्रोमाइज हुआ था ठीक है इसके अलावा जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते हैं ओके ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्योरीफाई किया जा सके ओके बट देखो ये जो एक्ट था इसमें बहुत सारे इश्यूज थे सबसे पहला इशू तो ये था कि देखिए काउंसिल है वन प्लस फोर तो अगर मान लो थ्री मेंबर्स अपोजिशन में हैं तो गवर्नर जनरल क्या करेगा उसकी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसके पास वीटो है ही नहीं ओके okay? तो गवर्नर जनरल वॉज एट द मर्सी ऑफ हिज काउंसिल इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है ठीक है और जो काउंसिल है इनके बीच में बहुत सारे इश्यूज थे क्योंकि जो जुडिशन था वो ओवरलेपिंग था क्लियरली डिफाइंड नहीं किया गया था तो हम कह सकते हैं कि इस एक्ट में कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं मिला गवर्नमेंट को ओवर द कंपनी तो बात है कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा तो सोल्यूशन क्या था वो था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं ये जो जुडिशन है उसको डिफाइन किया गया कि वो विद इन कैलकाटा रहेगा रेवेन्यू मैटर्स आप डिस्कस नहीं कर सकते हो जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल है जो सर्वेंट्स हैं वो एग्जाम रहेंगे और आप पर्सनल लॉस को एडमिनिस्टर कर सकते हो तो ये सब चेंजेस इसमें लाए गए थे सो दिस इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 अब इसके बाद जो अगला एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 तो उस समय जो पीएम थे उनका क्या नाम था विलियम पिट और उन्हीं के नाम पर यह एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेवनटीन अब देखो इस एक्ट में क्या प्रोविजन थे जो कंपनी के कमर्शियल फंक्शन है और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया उनको डिस्टिंग्विश किया गया देखिए किस तरह से कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन होंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बना दी जिसमें सिक्स मेंबर्स होंगे आउट ऑफ दी सिक्स मेंबर्स दो तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे तो डायरेक्टली जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसका इन्वॉल्वमेंट यहां पे हो रहा है एंड फोर होंगे फ्रॉम प्रीवी काउंसिल ओके इसके अलावा जो कंपनी के कमर्शियल फंक्शन है उसको कौन कंट्रोल करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया गया और एक नई बॉडी बना दी और इस अरेंजमेंट इस को कहा गया डबल गवर्नमेंट ओके आप देखो पहले जो काउंसिल की साइज थी वो क्या थी वन प्लस फोर बट इसमें इश्यूज थे इसमें क्या किया गया कि साइज को कम कर दिया वन प्लस थ्री हो गया तो इवन इफ एक मेंबर का सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नर जनरल को तो बात बन जाएगी तो जो इश्यूज थे उनको रिजोल्व यहां पर किया जा रहा है ओके तो देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये कंपनी के सिविल मिलिट्री एंड रिवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करने वाले हैं ओके okay? इसके अलावा जो कंपनी की जो टेरिटरी होंगी उनको कहा जाएगा ब्रिटिश पशेषन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है तो पी से पिट एंड पी से पसेशन आप याद कर सकते हो तो हम कह सकते हैं कि थ्रू दिस एक्ट द कंपनी बिकेम अबोर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट तो अल्टीमेटली सुप्रीम कंट्रोल किसका हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया है इन सब फीचर्स पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन फिलिम्स एग्जामिनेशन ओके इसके अलावा देखिए मद्रास बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उनको सबोर्डिनेट बना दिया गया टू द गवर्नर जनरल इन ऑल क्वेश्चन ऑफ वॉर डिप्लोमेसी एंड रिवेन्यू ओके तो हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑल right? अब इसके बाद देखिए जो अगला एक्ट आता है वो है द चार्टर एक्ट ऑफ 1793. देखो जो हमने 1600 में चार्टर देखा था तो उसने प्रिविलेज ग्रांट किया था फॉर 15 इयर्स. टू ईस्ट इंडिया कंपनी बट टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड किया गया तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ये जो कमर्शियल प्रिविलेज थे इनको फर्दर 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर होगी जो पहले नहीं थी मीन्स अब जो इनकी इच्छा होगी वो ये कर सकते हैं right? इसके अलावा अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है गवर्नर जनरल का गवर्नर्स का कमांडर इन चीफ का तो रॉयल अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा मीन्स क्वीन का अप्रूवल आपको चाहिए होगा इसके अलावा कंपनी वॉज इम्पावर्ड टू गिव लाइसेंसेज टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज कंपनीज इंप्लाइज टू ट्रेड इन इंडिया अब देखो इसको समझो और इसके लिए थोड़ा हमें चाइना को समझना पड़ेगा देखिए चाइना में उस समय जो पॉपुलेशन थी उसमें काफी लोग एडिक्ट हुआ करते थे, ठीक है? एक तो चीज आप समझिए, दूसरा चाइना में सिल्क आपके पास है चाइना में टी आपके पास है चाइना में पोर्सलिन की पॉटरी आपके पास है और इनकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती थी बट जो यूरोपियन जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड चाइना में नहीं थी तो एक्सचेंज तो आप कर ही नहीं सकते हो तो अगर आपको चाइनीज प्रोडक्ट परचेज करना है तो आपको गोल्ड या सिल्वर देना पड़ेगा तो सबसे बड़ा इशू यह था इन फ्रंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी तो उन्होंने क्या किया ओपीएम को अपना रास्ता बनाया बंगाल में मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओपीएम ग्रो करते थे बट देखिए चाइना में क्योंकि पॉपुलेशन ओपीएम एडिक्ट थी तो वहां के जो रूलर्स थे उन्होंने ओपीएम का कल्टीवेशन और उसका इंपोर्ट बैन किया हुआ था तो क्या करें तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी उन्होंने लाइसेंसेस देना स्टार्ट किया किसको जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में या जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं तो ओपीएम आपने कल्टीवेट किया ओपीएम आपने दे दिया इन इंडिविजुअल्स को इन एम्प्लॉयज को अब ये चाइनीज कोस्ट पे जाएंगे और वहां जो स्मगलर्स हैं उनको ओपीएम देंगे और इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा गोल्ड सिल्वर और ये गोल्ड सिल्वर किसके पास जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब वो ट्रेड कर लेगी विद चाइना ओके तो ये जो लाइसेंसेस थे इनको कहा गया प्रिवेज या फिर कंट्री ट्रेड एंड दिस पेव द वे फॉर शिपमेंट ऑफ ओपीएम टू चाइना एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इस पर ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है में ओके okay? इसके अलावा देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होंगे उनको सैलरी कौन देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो इंडियन रेवेन्यू से आप पैसा उनको दोगे तो देखिए दे वर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज और ये सिस्टम कंटिन्यू होता है अपीन 1919 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके okay, इसको अच्छे से आप करिएगा सो दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793 अब इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बट देखिए 1813 में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं देखिए मिडिल ऑफ एटीन सेंचुरी 1750 फिफ्टी ऑनवर्ड्स ब्रिटेन में क्या हो रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसमें नई नई टेक्नोलॉजी uh, आपके पास आएगी नई नई मशीन्स आपके पास आएंगी तो मीन्स जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या चाहिए एक तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल ठीक है और एक आपको क्या चाहिए मार्केट तो आप देखोगे कि 1813 थर्टीन ऑनवर्ड्स जो भी पॉलिसीज होंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसमें इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया गया है और मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड बनाया गया है अब देख लेना ओके तो ये दो रिक्वायरमेंट होगी इसके साथ देखिए 1806 इस टाइम पे नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अब ये सिस्टम क्या था दिस वॉज अ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर अगेंस्ट ब्रिटेन देखिए ब्रिटेन की नेवी काफी सुपीरियर थी तो आप उसको डायरेक्टली हरा नहीं सकते हो तो किस तरह से हराओगे तो नेपोलियन ने क्या किया जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका इंपोर्ट ही बंद कर दिया बाकी यूरोपियन कंट्रीज में तो वहां के जो पोर्ट्स होंगे वो यूरो वो ब्रिटिश गुड्स के लिए बंद हो जाएंगे तो भाई जो दूसरे मर्चेंट्स हैं ब्रिटेन में अब वो क्या करेंगे तो इंडिया तो मार्केट है ही सही ओके okay? तो आप देखोगे कि अब जो पॉलिसीज होंगी उसमें इंडिया को मार्केट बनाया जाएगा अब भाई जो ब्रिटिश गुड हैं इंडिया में पॉपुलेशन है अब वो उनको यूज भी तो करें ये भी तो एक समस्या है तो क्या करें तो सोसाइटी को आप करो मॉडर्नाइज और इसके लिए मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए इसके लिए रिलीजन पे आप फोकस करोगे Okay, तो वही सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन में अब इसको समझते हैं देखिए कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड क्यों बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल सिस्टम यूरोपियन मार्केट बंद हो गया तो जितने भी प्लेयर्स हैं सब इंडिया में जाएंगे तो कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड बट कंपनी रिटेन द ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी चाइना के साथ ट्रेड तो अभी भी कंपनी ही करेगी और ट्रेड इन टी वो अभी भी मोनोपोली होगी कंपनी की ये दो एक्सेप्शन है जो आपको याद करने पड़ेंगे अगेन जो ट्वेंटी uh, ईयर्स के लिए आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा इसके अलावा एनुअली कंपनी एक लाख रुपए खर्च करेगी ऑन एजुकेशन ऐसा क्यों ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि देखिए आपको सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना है तो एजुकेशन सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अलावा इतनी बड़ी टेरिटरी है उसको आपको गवर्न करना है तो सबोर्डिनेट पोजिशन में आपको बहुत सारे ऑफिसर चाहिए होंगे अब दो ऑप्शन है या तो आप ब्रिटेन से लोग हायर करो बट वो कॉस्टली होगा आपके लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसी को आप एजुकेट कर दो उसी को पढ़ा लिखा दो तो चीप ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे कम दामों में तो ये भी इनका मकसद था कि क्यों एजुकेशन इंडिया में आनी चाहिए ओके okay? इसके अलावा द रेगुलेशंस मेड बाय काउंसिल्स ऑफ मद्रास बॉम्बे एंड कैलकाटा अब इनको अप्रूवल लेना होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का तभी वो अप्रूव तभी वो पास होंगी ओके okay? ये एक सिस्टम हो गया इसके अलावा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी उनको डिफाइन किया गया और किस तरह से सोवेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन मीन्स सुप्रीम कंट्रोल किसका होगा ब्रिटिश क्राउन का सुप्रीम कंट्रोल होने वाला है सो so, ये पोजीशन है तो जो तीन क्वेश्चंस थे उनके आंसर यहां पे आपको मिल रहे होंगे ओके okay? इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज वर आल्सो परमिटेड टू कम टू इंडिया एंड प्रीच देयर रिलीजन देखिए बात वही है मॉडर्नाइजेशन की जो ब्रिटिशर्स थे उनका यह मानना था कि द ओनली ट्रू रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी बाकी सब रिलीजन है उनका यह मानना था ओके तो उनको ऐसा लगा था कि अगर क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे तो इंडियंस कन्वर्ट हो जाएंगे कन्वर्ट होंगे तो मॉडर्नाइज हो जाएंगे और जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने में भी हेल्प करेंगे तो ये सब इनका पर्पस था ओके देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स वो कंपनी कंटिन्यू करेगी तो दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं अगला आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसमें भी जो लीज थी वो 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड होती है तो ये चीज आप याद रखिए अब जो टेरिटरीज होंगी दे विल बी गवर्न इन द नेम ऑफ द क्राउन ये सब क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स के ठीक है तो जो ब्रिटिश प्रशेषन होंगे वो गवर्न होंगे इन द नेम ऑफ क्राउन ओके अब जो शुरुआत में दो एक्सेप्शन थे कि ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना ये अभी भी ई के पास था अब उसको भी खत्म कर दिया ओके okay? तो कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ चाइना एंड टी एंड ओके इसके अलावा ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन ठीक है मीन अब आप आराम से इंडिया में आ जाओ और प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लो कोई भी बैन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि यूरोपियन कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया अब आराम से हो सकता है ओके okay? कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया ओके okay? इसके अलावा इसके अलावा देखिए देर विल बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट तो अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं अब उनको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मींस जितने भी सिविल मैटर्स हैं, मिलिट्री मैटर्स हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके एंड हु फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंकटिक तो इनकी इमेज अच्छा यहां पे आ गई कोई बात नहीं ठीक है तो ये क्वेश्चन बनता है इसको आप याद करिएगा ओके सेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट तो जो मद्रास है जो बॉम्बे है उनका क्या होगा उनका क्या होगा तो देखिए भाई बेंगोल मद्रास बॉम्बे एंड ऑल अदर टेरिटरीज़ देवर प्लेस अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ठीक है एंड यहां पे जो गवर्नमेंट थी अब उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके अंडर में रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एंड सारी लेजिस्लेटिव पावर्स भी उन्हीं के पास होंगी ओके अब देखो इतना बड़ा एरिया आपको गवर्न करना है पर दिक्कत क्या आ रही थी कि जो इंडियन लॉज थे वो कस्टमरी लॉज पे बेस्ड थे शरीयत के ऊपर शास्त्रों के ऊपर तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आपको गवर्न करना है तो आपको लॉज समझ में आने चाहिए सबसे पहली बात तो ये है ओके और दूसरी बात एक सिंगल सिस्टम ऑफ लॉ होना चाहिए क्योंकि इंडिया में तो डाइवर्सिटी बहुत सारी थी तो कैसे मैनेज करें तो उसका सोल्यूशन क्या निकला कि अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी उसमें एक लॉ मेंबर को ऐड किया जाएगा एंड ये एक लीगल एक्सपर्ट होगा एंड सबसे पहले कौन थे टीबी मैकोले okay? दूसरी बात इंडियन लॉज को कोडिफाई किया जाएगा कंसोलिडेट किया जाएगा भाई अल्टीमेटली आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ताकि एक्सप्ल्टन आप कर सको और इसके लिए लॉज को कॉडिफाई करना उनको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है ओके okay? तो इसके लिए 1835 में लॉर्ड मैकोले उनको फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है तो भाई अब लॉ मेंबर कौन होगा तो वो चेंज हो जाएंगे सर जेम्स स्टीफन अब वो जो है लॉ मेंबर बन जाएंगे इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ओके सो दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ एटीन अब इसके अलावा जो स्लेवरी है उसको भी अबोलिश करना रहेगा ये इसमें प्रोविजन था एंड फाइनली 1843 में इसको अबोलिश किया जाता है तो हम देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि अब जो कंपनी है वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है क्योंकि मोनोपोली तो आपकी एंड हो गई तो नाउ कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ओके इसके अलावा दो प्रोविजन और थे और सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट किया गया था सबसे पहली बात दूसरा सिटीजन वॉज टू बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कलर बर्थ डिसेंट पर चीप लेबर चाहिए तो भाई आप क्यों डिस्क्रिमिनेट करोगे बट okay? ये जो दोनों प्रोविजन थे इनका अप्रूवल नहीं मिला था तो यह अस्तित्व में नहीं आते ओके okay? तो अगर हम बात करें काउंसिल की तो वन प्लस थ्री तो पहले था ही सही बट अब इसमें एक जो लॉ मेंबर है वो भी एड हो जाएगा और उसके साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा लीगल मैटर्स पे ओके दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अब देखिए इसके बाद अगला आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो क्या किया कि जो सीओडी जो ट्वेंटी है पहले अब वो हो जाएंगे एटीन उनके उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दिया गया ओके okay? जो अटेम्प्ट पिछली बार किया गया था ओपन कंपटीशन का अब वो आ चुका है ठीक है सो सर्विसेज थ्रोन ओपन टू ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और इसके लिए मैकोले कमेटी बनाई जाती है ओके एटीन फिफ्टी फोर में और एटीन सिक्सटी फोर एस एन टैगोर कौन थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर इंडियन जो बनते हैं आईसीएस ऑफिसर इंडियन सिविल सर्विसेज, ओके? जो लॉ मेंबर था अब वो फुल मेंबर बन चुका है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वन प्लस फोर वहां पे हो जाएंगे ओके? Okay? इसके अलावा देखिए सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर आप रिलेट कर सकते हो ठीक है और इसके लिए सिक्स एडिशनल मेंबर्स को जो को जो है इंक्लूड किया गया जो काउंसिल थी उसमें और इसको कहा गया मिनी पार्लियामेंट इसको समझते हैं देखिए वन प्लस फोर दिस विल बी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बट लॉ बनाने के लिए सिक्स मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है इस काउंसिल में तो ये जो बॉडी है ना नाउ दिस इज मिनी पार्लियामेंट इसको आप गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हो इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं ओके तो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल अब इसके बाद देखिए ये जो लेजिस्लेटिव विंग है ये जो भी लॉ बनाएगी गवर्नर जनरल से अप्रूवल लेना पड़ेगा आज भी तो यही होता है आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए ओके एंड गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी ऑन एनी बिल ये याद रखना ओके okay? इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया किस तरह से देखिए जो सिक्स मेंबर्स हैं उसमें से फोर मेंबर्स उसमें से फोर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास बॉम्बे बेंगोल एंड आगरा तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर था कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी रहेगा ओके okay? अब देखो इससे पहले वाले जो एक्ट हमने देखे थे तो सब में ट्वेंटी ईयर्स के लिए जो लीज है उसको एक्सटेंड किया गया था ओके okay? बट इस एक्ट में कोई भी टाइमलाइन मैंशन नहीं की गई थी इसका मतलब पार्लियामेंट जब भी चाहे कंपनी रूल को टर्मिनेट कर सकती है और वो हम देखेंगे 1858 में जब ई को अबोलिश कर दिया जाता है ओके okay? तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड इसी पे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है हम कंक्लूड कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे 1858 से ओके okay? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे <coughs> सॉरी इसे लाइक करना ना भूले और हमारे यूट्यूब चैनल प्रेपाइए को सब्सक्राइब जरूर कीजिए उसको शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में ताकि उन्हें भी हमारे इस फ्री इनिशिएटिव का फायदा हो सके तो ऑल द बेस्ट गुड बाय जय हिंद